नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल यानी ब्रिटिश कैबिनेट। प्राचीन काल से माना जाता रहा है कि शासकीय निर्णय व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए बल्कि सामूहिक तौर पर लिए जाने चाहिए। इसी कारण प्राचीन युग में भी जब राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी तब राजा अपने मंत्री और दरबारियों के परामर्श के आधार पर निर्णय लेता था। आधुनिक शासन प्रणालियों में भी शासकीय निर्णय जो है वो सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं। शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति के स्थान पर एक संस्था में निहित होती है, वही संस्था मंत्रिमंडल या कैबिनेट है वो कहलाती है। आधुनिक कैबिनेट की जो उत्पत्ति है वो ब्रिटेन से ही हुई। ब्रिटेन में चूंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो निर्मित नहीं है, विकसित है, और ब्रिटेन में क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही वहाँ कैबिनेट आधुनिक कैबिनेट की उत्पत्ति है वो हुई। ब्रिटेन में जो है सदियों से राजाओं का शासन रहा है। प्रारंभ में राजा एक संस्था से परामर्श लेने का कार्य करते थे जिसको क्यूरिया रेजिस है वो कहा जाता था। क्यूरिया रेजिस का आकार बढ़ गया तब वहाँ एक नई संस्था की उत्पत्ति हुई, उसका नाम था प्रिवी काउंसिल। राजाओं ने प्रिवी काउंसिल से परामर्श लेना है वो प्रारंभ किया, लेकिन कालांतर में प्रिवी काउंसिल का आकार बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप प्रिवी काउंसिल जो है वो राजा को परामर्श देने में सक्षम नहीं रही। तब राजाओं ने प्रिवी काउंसिल में से ही 5 लोगों को लेकर एक नई संस्था है वो बनाई और उस नई संस्था से परामर्श लेने का काम प्रारंभ है वो कर दिया। उस नई संस्था का नाम रखा गया कबाल। कबाल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो 5 सदस्य थे उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर इसका नाम कबाल है वो रखा गया। इनमें जो 5 सदस्य थे उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला सदस्य जो था उसका नाम था क्लिफोर्ड, उसके नाम से सी लिया गया। दूसरा सदस्य था ओलिंगटन, उसके नाम से ए लिया गया। तीसरा सदस्य था बंकिमधम, उसके नाम से बी लिया गया। और चौथा सदस्य था कैसले, उसके नाम से ए लिया गया। और पांचवा सदस्य था लॉर्ड रेडेल, उसके नाम से एल लिया गया। इस प्रकार ये 5 सदस्यों के नाम के पहले अक्षर के आधार पर इस संस्था का नाम कबाल है वो रखा गया। आगे चलकर कबाल को ही कैबिनेट है वो कहा गया। तो इस प्रकार कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली में ही है वो हुई। बाद में पूरी दुनिया में यह शब्द ब्रिटेन से ही हो गया। प्रारंभिक ये जो कैबिनेट थी ये जो है वो लोकतांत्रिक नहीं थी। मंत्री राजा के द्वारा नियुक्त होते थे और राजा के प्रति उत्तरदायी वो होते थे। लेकिन ब्रिटेन में जैसे जैसे लोकतांत्रिक विकास हुआ, जैसे जैसे वहाँ राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हुआ, वैसे वैसे कैबिनेट भी है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है वो हो गई। कैबिनेट की जो उत्पत्ति है वो संयोग से हुई और परंपराओं के आधार पर उसका संचालन है वो ब्रिटेन में निरंतर होता गया। हाँ, किसी भी कानून में जो है वो किसी भी कानून के द्वारा कैबिनेट का प्रावधान नहीं किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ क्राउन एक्ट 1937 के द्वारा ब्रिटेन में सर्वप्रथम जो है कैबिनेट और मंत्रिमंडल को कानूनी तौर पर मान्यता प्रदान है वो की गई। यानी 1937 से पहले किसी भी कानून में कैबिनेट का कोई प्रावधान है वो वहाँ नहीं था। और आधुनिक समय में ब्रिटेन में कैबिनेट ही सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था होती है। सैद्धांतिक रूप से शासन की संपूर्ण शक्तियाँ जो है वो कैबिनेट में ही निहित है वो होती है और कैबिनेट ही ब्रिटेन में शासकीय निर्णय करने वाली एक संवैधानिक और एक सामूहिक संस्था है वो होती है और संपूर्ण शक्तियों का केंद्र जो है वो कैबिनेट ही वो होती है। इसी कारण आधार पर लावेल ने कहा है कि कैबिनेट ब्रिटिश राजनीतिक मेहराव की आधारशिला है। अब बात करते हैं कैबिनेट के निर्माण यानी गठन की। तो कैबिनेट के का गठन का दायित्व है वो प्रधानमंत्री का होता है। यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अपनी नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहला काम अपने मंत्रिमंडल का गठन का ही करता है। अपने मंत्रियों की सूची
प्रधानमंत्री तैयार करता है और सम्राट को सौंपता है। मंत्रिमंडल का गठन करते समय प्रधानमंत्री जो है वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आदि को ध्यान में रखता है। इसके अलावा वह मंत्रियों की योग्यता, दल में उनकी स्थिति सबको ध्यान में रखकर वह अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल के लिए किसी भी सदस्य का संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में ले सकता है जो कि संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उसके लिए ये शर्त होती है कि वह 6 महीने के अंदर या तो कॉमन सभा का सदस्य बन जाए, और यदि वह नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में सम्राट उस व्यक्ति को लोर्ड की उपाधि प्रदान कर देता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो लोर्ड सभा का सदस्य बन जाता है, तब वह मंत्रिमंडल में रह सकता है। सदस्य संख्या के बारे में कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन परंपरा के आधार पर वहाँ 20 से 22 तक सदस्य वो कैबिनेट में रखे जाते हैं। कार्यकाल भी कोई निश्चित है वो नहीं होता। सामान्यतः जो निम्न सदन होता है ब्रिटेन का, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो उसके बराबर ही मंत्रिमंडल का कार्यकाल वो होता है। लेकिन वहाँ कॉमन सभा को अधिकार प्राप्त है कि यदि वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो फिर जो मंत्रिमंडल का अंत है वो हो जाता है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की विशेषताओं की। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो पहली विशेषता है वो ये है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है वो वहाँ व्यवस्थापिका के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है वो होती है। चूंकि ब्रिटिश कैबिनेट जो है वो संसदीय मंत्रिमंडल का एक उदाहरण है, और संसदीय मंत्रिमंडल की मुख्य बात यह होती है कि संसदीय व्यवस्थाओं का जो मंत्रिमंडल होता है वह संसद के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसका निर्माण संसद के भीतर से होता है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी वो होती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है राजनीतिक सहजातीयता। इसका अर्थ ये होता है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही दल के हैं वो होते हैं। अगली विशेषता है गोपनीयता। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल की मीटिंग में, बैठकों में जो भी शासकीय विषय विचारार्थ लाए जाते हैं और उन विषयों को जब तक गोपनीय रखना आवश्यक हो तब तक मंत्रिमंडल है वो उनको गोपनीय रखती है, और ये गोपनीयता जो है ये स्वैच्छिक नहीं होती बल्कि संवैधानिक बाध्यता है वो होती है। अगली विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका अर्थ ये है कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं और यदि उनमें कोई निर्णय गलत हो जाता है तो उसका उत्तरदायित्व एक मंत्री विशेष का नहीं होता बल्कि सामूहिक होता है। विफलता जो है वो पूरी मंत्रिमंडल की विफलता है वो मानी जाती है। और अगली विशेषता है वह है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडल का नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो देश का प्रधानमंत्री है वो करता है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई एक और जो विशेष बात है वो है छाया मंत्रिमंडल। ब्रिटेन में जब भी किसी सरकार का गठन होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, तब विपक्षी दल का नेता जो है वो उसके समानांतर एक मंत्रिमंडल का गठन करता है जो वास्तविक नहीं होता, अनौपचारिक है वो होता है। और छाया मंत्रिमंडल के सदस्यों का काम होता है कि ये वास्तविक मंत्रियों के कार्यों की निगरानी रखने का काम है वो करते हैं, ताकि उससे कोई गलती हो तो उसको जनता के सामने रखा जा सके। यही मंत्रिमंडल छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में कहलाता है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का आधार कोई कानून नहीं बल्कि परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं और अभिसमय हैं। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल अपने सभी अधिकार और शक्तियाँ भी है वो परंपराओं से ही प्राप्त हो करता है, और परंपराओं के आधार पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल ही वहाँ वास्तविक कार्यपालिका मानी जाती है, और शासन की शक्तियाँ जो है वो परंपरा के आधार पर मंत्रिमंडल में निहित वो होती है। और ब्रिटेन में सभी बड़े निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल की बैठकों में ही वो लिए जाते हैं। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्यों को अपन कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। शासन की नीतियों का निर्धारण करना कार्यपालिका का काम होता है। इस दृष्टि से मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन में
शासन से संबंधित नीतियों का निर्धारण करता है और मंत्रिमंडल ही देश में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करती है। मंत्रिमंडल उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है और संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण का काम करती है और संपूर्ण प्रशासन को आवश्यक निर्देशन का काम है वो मंत्रिमंडल है वो करती है। इसके अलावा व्यवस्थापिका के क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण दायित्व है वो होते हैं। संसद के अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने के जो निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल की बैठकों में ही लिए जाते हैं और जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो संसद की संपूर्ण विधायी प्रक्रिया में नेतृत्व देने का काम मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में विधेयकों के प्रारूप तैयार होते हैं और वो संसद से पारित है वो करवाए जाते हैं। इसके अलावा यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और नए कानून की आवश्यकता हो तो प्राथमिकता के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं और अध्यादेश का जो निर्णय है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही है वो लिया जाता है। ब्रिटेन में संसद के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है और ये भंग करने का जो परामर्श है वो मंत्रिमंडल की बैठकों में लिया जाता है निर्णय और मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रधानमंत्री ये परामर्श वो देता है। अब बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल क्या करती है। मंत्रिमंडल की प्रतिवर्ष जो है वो वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट तैयार करती है और बजट को है वो जो है संसद से पारित है वो करवाती है। इसके अलावा न्यायपालिका के क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल के द्वारा कई निर्णय लिए जाते हैं। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकों में लिया जाता है। न्यायपालिका के द्वारा जिन अपराधियों को सजा दे दी जाती है उनको जो है समाधान देने का अधिकार राजमुकुट का होता है, लेकिन ये जो निर्णय है समाधान का ये मंत्रिमंडल की बैठकों में ही लिया जाता है। इसके अलावा राजमुकुट के द्वारा जो नागरिकों को उनकी विशेष योगदान के आधार पर सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान की जाती हैं और ये जो उपाधियों का जो निर्णय है ये भी मंत्रिमंडल की बैठकों में ही लिया जाता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ब्रिटेन में सभी महत्वपूर्ण शासकीय निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल की बैठकों में ही लिए जाते हैं। संपूर्ण शासन और देश की सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी है वो होती है, इसलिए संपूर्ण ब्रिटिश शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल की विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका है वो होती है। धन्यवाद।